बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, और इस पर संसद में भी भारत के विदेश मंत्री ने एक बयान दिया था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, वो पाकिस्तान से नियोजित ये सब कुछ हो रहा है, और हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ वो बहुत गलत हो रहा है। अब ये है कि नोबेल पुरस्कार जीता विजेता के उसमें अभी अंतरिम सरकार जिनकी गठन हुई है, सब लोग उस पर दृष्टि रख रहे हैं, भारत को कड़ा और रुख अपनाना पड़ेगा हिंदुओं को लेकर। मैं यही कह रहा हूँ, मेरा वीडियो भी चला गया, ऐसा मेरा मंतव्य है। उर्दू तो जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो, जहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदू है, 20 बार कहा, इसको तुम सुन क्यों मिल रहे हो? अगर संयुक्त राष्ट्र को किस तरह का कदम उठाना चाहिए, खासकर हिंदुओं के? संयुक्त राष्ट्र को कहो सबको, संयुक्त राष्ट्र ही को नहीं, पूरी दुनिया को कठोर कदम उठाना चाहिए। भगवान करें बिल पास हो जाए। महाराज जी, ये विपक्ष जो है लगातार कह रहा है कि हम उसका विरोध करेंगे, क्या कारण है, क्यों विरोध कर रहे हैं, और गवर्नमेंट को किस तरह से विपक्ष तो देखिए विरोध करेगा ही, क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष होता हो तो हिंदुओं का विरोधी है ही, वो भारत विरोधी है। मैं तो कहूंगा विपक्ष नाम है वो जयचंद्र, सब जयचंद्र के वंशज हैं, लिख लो मेरा वक्तव्य भी, सब जयचंद्र के वंशज हैं, किसी को भारत से लेना देना नहीं। मुस्लिम वक्फ बोर्ड में ऐसे कौन से नियम जिनमें बदलाव की आवश्यकता है, किस तरह से जो जमीन, सारे नियम? पहली बात है कि सरकार बदलाव के लिए अभी प्रस्ताव ला रही, उस पर अभी कुछ बोलना मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा, आप उसको पहले लाने दीजिए प्रस्ताव। एक तो जहाँ चाहते हैं वहीं कहते हैं मेरी जमीन है, तो पहली बात सारी जमीन का इनके अधिक ग्रहण हो जाना चाहिए, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं होता। मेरा तो मंतव्य है कि पूरी इनकी जमीन ग्रहण कर लेनी चाहिए सरकार को, अब कठोरता से इनसे निपटना चाहिए। देखिए, कुछ लोग हिंदुस्तान के अंदर केवल और केवल देश को तोड़ने की बात करते, देश तोड़ने वालों के साथ खड़े होते हैं। बांग्लादेश से सीख ले लेनी चाहिए, हिंदुओं की बेटियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। ये नेम प्लेट मुजफ्फरनगर के अंदर उतारी गई केवल इतनी सी बात थी कि अपने नाम की नेम प्लेट लगानी चाहिए, तब तो ये बड़ी छातियां पीट पीट करके विधवा विलाप कर रहे थे, भाईचारे वाला गैंग। अब हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, अब इनके मुंह में दही जम गई क्या, या इनको दर्द नहीं हो रहा? अब दर्द केवल होगा तो हम लोगों को होगा, इसीलिए वक्फ बोर्ड को खत्म करके पूरी की पूरी जमीन हिंदुस्तान के सैनिकों को देनी चाहिए और वहां के हिंदुओं को देनी चाहिए बांग्लादेश के।